कर्नाटक में जेडीएस के लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियोस मामले की एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है और इसके साथ ही एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गुरुवार को लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये नोटिस दुनिया भर के सभी इमिग्रेशन प्वाइंट्स पर जारी कर दिए गए हैं और इस बीच सूबे के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने यह संकेत दिया है कि अगर प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना गुलबर्गा में पूछताछ के लिए एसआईटी के सामने पेश नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हां, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि इस मामले में पीड़ित और उनके परिवार अगर अपने बयान दर्ज करवाने के लिए आते हैं तो एसआईटी उनको भी सुरक्षा प्रदान करेगी। गृहमंत्री का यह भी कहना है, इसके साथ ही एसआईटी किसी भी पीड़ित पर दबाव नहीं बनाएगी, अगर वे खुद सामने आते हैं बयान दर्ज करवाने के लिए तो बयान दर्ज करवाया जाएगा। गृहमंत्री ने बताया है कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दो महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना पर सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है और इस मामले से जुड़े कथित वीडियोज भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। प्रज्वल रेवन्ना ने मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल यानी एसआईटी के सामने पेश होने के लिए 7 दिन का समय मांगा है। उन्होंने जांच टीम को बताया है कि वो अभी बेंगलुरु से बाहर हैं और वो और उनके पिता जो हैं वो जरूर सामने आएंगे और 7 दिन का उन्होंने मोहलत जो है मांगा है। एसआईटी भी उन्हें ये मोहलत दे भी रही है। आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना 15 मई को वापसी के लिए फ्लाइट पकड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि 15 मई को ही वो बेंगलुरु आ सकते हैं। करीब 12:30 बजे बेंगलुरु में वो लैंड करेंगे और इसीलिए उन्होंने 7 दिन का समय जो है एसआईटी से मांगा है। लेकिन साथ ही साथ उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है क्योंकि अब एसआईटी की टीम जो है लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विदेश मंत्रालय के माध्यम से प्रज्वल रेवन्ना पर आवश्यक कदम उठाने की अपील की थी, जिससे प्रज्वल रेवन्ना सेक्स वीडियोज के आरोप की जांच में शामिल होने के लिए भारत लौट सके। कथित तौर पर विवाद शुरू होने से कुछ ही दिन पहले प्रज्वल रेवन्ना अपने राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी गए थे। सिद्धारमैया के पीएम मोदी को पत्र लिखने के एक दिन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। तो अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी काफी तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ इस पूरे मामले पर कांग्रेस जेडीएस को घेरने में लगी हुई है, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो साथ ही साथ एसआईटी की टीम इस मामले पर जांच कर रही है। अब देखना होगा प्रज्वल रेवन्ना की जो मुश्किलें हैं कितनी बढ़ती हैं, एसआईटी जब उनसे जांच में एसआईटी की जांच में जो कुछ सामने आता है वो क्या कुछ आ सकता है और जब उनसे पूछताछ होगी तो क्या कुछ बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला पूरे देश में चर्चित बना हुआ है और प्रज्वल रेवन्ना पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इससे जुड़ा और भी अपडेट्स आपको बताएंगे। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।